हे गाइस, दिस इज किरत। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट तरीका अपने सारे मूवीज़ और टीवी शोज़ को अपने आईपैड या आईफोन में ट्रांसफ़र करने का फ्रॉम एन मैक, विंडोज़ और एंड्रॉयड डिवाइस। तो अगर आप कोई भी iOS का डिवाइस यूज़ करते हैं या पास में किया है तो आपको पता होगा कि iOS में नेटिवली फाइल्स प्ले करना, वीडियो फाइल्स प्ले करना बहुत मुश्किल है। नेटिवली सिर्फ MP4 और MOV चलते हैं और आपको काफ़ी जुगाड़ टाइप करना पड़ता है कुछ भी चलाने के लिए। पर आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए शेयर इट यूज़ करते हैं, पर शेयर इट बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि वहाँ पर आपको ना ही कोई सबटाइटल सपोर्ट मिलता है, ना ही कोई एक पावरफुल वीडियो प्लेयर के सेटिंग्स मिलते हैं, ना ही आपको ऑडियो सेटिंग्स मिलती है। आपको बेसिकली कुछ नहीं मिलता है। वो एक बहुत ही बेसिक सॉल्यूशन है। आज जो मैं आपको बताऊँगा वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है और आई होप यू लाइक इट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस भी डिवाइस से आप मूवीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो विंडोज़ PC हो, एंड्रॉयड हो या कोई मैक डिवाइस हो, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले कोडी इंस्टॉल करना है। अब कोडी आपको एंड्रॉयड पे तो प्ले स्टोर में मिल जाएगा और विंडोज़ और मैक के लिए मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा। तो एक सिंपल मीडिया एप्लीकेशन है जो कि यूज़ करने में तो सिंपल है पर कंट्रोल्स में काफ़ी पावरफुल है। तो ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं ये सब प्लेटफॉर्म्स के लिए कोडी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप है अपने जो भी मूवीज़ और टीवी शोज़ आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनको एक फिक्स प्लेस पे रखना, जहाँ भी हो सकता है आपके डिवाइस में कोई फोल्डर हो सकता है या कहीं भी, जैसे आप विंडोज़ या मैक या एंड्रॉयड में रखते हैं। जिसकी मैंने इधर अपनी मूवी रखी हुई है स्टार वॉर्स, जिसको मैं ट्रांसफ़र करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो ये एक बार आप ज़रूर कर लें। और मैं बताना चाहूँगा कि ये वन टाइम प्रोसेस है जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको एक ही बार इसको सेटअप करना है और जब भी अगली बार आपको मूवीज़ या टीवी शोज ट्रांसफ़र करने हैं तो बिल्कुल ही सिंपल, आपको बस आप ओपन करनी होगी और आप इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोडी को ओपन करना है। उसके बाद आपको लेफ्ट साइड पे एक पेन दिखेगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना है मूवीज़, एज्यूमिंग कि आप मूवीज़ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। फिर आपको क्लिक करना है ऐड वीडियोज़ और फिर ब्राउज़ पे क्लिक कर आपको बेसिकली वो जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आपने अपनी सारी मूवीज़ को स्टोर किया होगा। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली सारी एक्सटर्नल स्टोरेज का एक्सेस दे रहा हूँ इस वीडियो के लिए, तो ओके करना है। और उसके बाद फिर से आपको ओके सेलेक्ट करना है और एक और बार ओके सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है। आप जितने चाहे उतने फोल्डर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपने देख रहे हैं मैंने कर रखे हैं। तो यही फोल्डर्स आपको एक बार ऐड करने हैं और जैसे जैसे आप मूवीज़ इसमें डालते जाएंगे तो ये अपडेट होता जाएगा ऑटोमेटिकली जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे। तो आप बस इसमें मूवीज़ को ट्रांसफ़र करते जाएं। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सर्वर को सिलेक्ट करना। तो हम जाएंगे सेटिंग्स में, हम जाएंगे सर्विस सेटिंग्स, फिर हम टर्न ऑन करेंगे ये UPnP को। तो स्विच ऑफ को स्विच ऑन करना है और जनरल में जाके आप कुछ भी अपने डिवाइस का नाम रख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ भी यहाँ रैंडम रखा हुआ, तो आप कुछ भी अपना नाम इसमें सेट करें। और अगली बार हमें सिर्फ कोडी को टर्न ऑन करना होगा अपने फ़ोन में और ये सब प्रोसेस नहीं करना होगा। तो आईपैड पे हमको एक ऐप डालनी है जिसका नाम है इन्फ्यूज़, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐप स्टोर से। उसके बाद इन्फ्यूज़ की हमको सेटिंग्स में जाना है और क्लिक करना है ऐड फाइल्स। ऐड फाइल्स ऐड करने के बाद सबसे नीचे अवेलेबल शेयर्स में आपको दिख जाएगा अपने डिवाइस का नाम। याद रखिए कि आपका डिवाइस और आईपैड सेम नेटवर्क पे होने चाहिए। सेव क्लिक करने के बाद आपको दिखेंगी दो ऑप्शंस। आप क्लिक करें वीडियो लाइब्रेरी पे, फिर फाइल्स, फिर आपको बेसिकली अपने फ़ोन के फोल्डर्स दिखेंगे। तो आप नेविगेट करें जहाँ भी आपको मूवीज़ आपने रखी हुई हैं। जैसे मैंने इधर मूवीज़ फोल्डर में रखी हुई हैं, तो ओके सो हमारे पास यहाँ है स्टार वॉर्स। जैसे ही मैं ये ट्रांसफ़र बटन पर क्लिक करूँगा मूवी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। तो इट्स दैट सिंपल। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ये इन्फ्यूज़ ऐप इतनी स्पेशल है। तो ये इन्फ्यूज़ ऐप आपके सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देगी, कंप्लीट विद थंबनेल्स, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर टीवी शोज। तो सब चीज़ें जैसे सीरीज, डायरेक्टर, कास्ट, एपिसोड, इवन कि आपका फाइल की इंफॉर्मेशन ही आपको दिखाएगा। और जहाँ
छोड़ेंगे देखकर वहीं से अगली बार स्टार्ट होगा। तो ये काफ़ी पावरफुल ऐप है और इसमें आप सबटाइटल्स भी सपोर्टेड हैं। इसके प्रीमियम वर्जन में आप एयरप्ले कर सकते हैं लेकिन फ्री वाले में नहीं कर सकते। और ओवरऑल ये मेरे ख्याल से बेस्ट ऐप है आईपैड के लिए अगर आप मूवीज़ और टीवी शोज़ देखना चाहते हैं। और मैं पर्सनली इसको बहुत यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।